प्रदेश में सड़कों के सुनियोजित विकास के लिए वर्ष 21 से 26 तक की अवधि में नवीन राज्य सड़क नीति 21 लाए जाने प्रस्तावित करता हूँ। माननीय सदस्यों के माध्यम से सड़कों के रिपेयर, स्ट्रेंथनिंग, अपग्रेडेशन के निर्माण से संबंधित प्रस्ताव काफी संख्या में प्राप्त हुए, अतः इसको ध्यान में रखते हुए आगामी वर्ष में 1,000 करोड़ रुपए की राशि से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की लागत के नॉन पेचेबल मिसिंग लिंक सड़कें कार्य कराए जाएंगे। या भी नहीं, यहाँ भी ताली नहीं बजेगी। अरे भाई क्या कर दो, आपको विप जारी हुआ है क्या? विप जारी हुआ दिखता है, विप जारी कौन करे? कोई चीफ विप हो तो करे। अभी शशि तक बना नहीं है तो विप जारी कौन करे? या तो आप करो या आप करें, पता नहीं कुछ लगता मुझे ऐसे। राज्य के सभी, अरे भाई सबके लिए करें, 5 करोड़ प्रति विधानसभा क्षेत्र का होंगे। राज्य के सभी जिलों में 7,257 किलोमीटर लंबाई की अन्य जिला सड़कों व ग्रामीण सड़कों को राज्य राजमार्गों और मुख्य जिला सड़कों MDR में क्रमोन्नत करना प्रस्तावित है। आधारभूत संरचना में सड़कों का महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसको ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले के 3 प्रमुख मार्गों के मेजर रिपेयर कार्य लगभग 1,900 करोड़ रुपये लागत लगाए जाएंगे। इसमें अलवर से उमरेन, बानसूर, किशनगढ़ बास, केकड़ी, मसूदा, किशनगढ़, अजमेर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़, बारा में अंता, अट्रू, किशनगंज, बाड़मेर में बायतू, बाड़मेर ग्रामीण रामसर चौटन, भरतपुर में नगर, नदवई, बयाना, उज्जैन, सेवर, बीरवाड़ा में सहाड़ा, आछिंद, मांडलगढ़, बीकानेर बीकानेर, कोलायत, खाजूवाला, बूंदी में हिंडोली, बूंदी, इंडोली, चित्तौड़ में निमाड़ा, बेगू, चित्तौड़गढ़, कपाशन, चूरू में तारनगर, सुजानगढ़ इत्यादि, दोसा में दोसा, लालसोट, सिकराय, धौलपुर में शेपू, बाड़ी, बछेड़ी, डूंगरपुर में डूंगरपुर, सागवाड़ा, दोबड़ा, आसपुर, हनुमानगढ़ में हनुमानगढ़, नौहर, गोविंदगढ़, जैसलमेर में बढ़ियाड़ा, सांकड़ा, फतेहगढ़, जैसलमेर, सांकड़ा, फतेहगढ़, जालौर में जालौर, सानीवाड़ा, चित्रवाना, झालावाड़ में भवानी मंडी, मनोर थाना, झुंझुनू में नवलगढ़, खेतड़ी, मंडावा, जोधपुर में लोहा, शेरगढ़, मंडोर, करौली में सपोटरा, हिंडौन, करौली, कोटा में सांगोद, इटावा, पेपलदा, इटावा बाईपास, नागौर में डेगाना, जायल, कुचामन, पाली में मारवाड़, देसूरी, मारवाड़ जंक्शन, जैतरण, प्रतापगढ़ में छोटी सादरी, अरनोद, दमोतर, राजसमंद में खमनोर, राजसमंद, कुमलगढ़, सायरा, सवाईमाधोपुर में सवाईमाधोपुर, गंगापुर सिटी, खंडार, सीकर में खंडेला, लक्ष्मणगढ़, धोद, सिरोही में सिरोही, अबू रोड, पिंडवाड़ा, गंगानगर में गंगानगर, साधुलपुर, राशिनगर, टोंक में पिपलू, उनियाड़ा, निवाई, उदयपुर में यूसुफदेव, सलुम्बर, सराड़ा, वल्लभ नगर, सलुम्बर। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा डिटेल्स जो है मैं मेरे बजट डॉक्यूमेंट के साथ में सदन के पटल पर रख रहा हूँ। राज्य के कई नगरीय निकायों में समुचित वित्तीय संसाधन नहीं है, अतः मैं एक विशेष फंड का गठन करते हुए सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से राज्य के प्रत्येक नगर निगम की 30 किलोमीटर, नगर परिषद की 20 किलोमीटर, नगर पालिका के 10 किलोमीटर मुख्य सड़कों के मेजर रिपेयर कार्य करने प्रस्तावित करता हूँ। इस पर लगभग 1,000 करोड़ रुपये का खर्च होगा। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना फेज 3 के तहत आगामी 2 वर्षों में शेष 2,841 किलोमीटर लंबाई की ग्रामीण सड़कों के उन्नयन के लिए कार्य करवाए जाएंगे। इस पर 1,425 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रदेश के ऐसे ग्राम पंचायत मुख्यालय जो डामर सड़कों से वंचित हैं
गोदामों सड़कों से जोड़ने की घोषणा करता हूँ। आगामी वर्ष में 3,880 करोड़ रुपए की लागत से 1,590 किलोमीटर लंबाई के 27 राज्य मार्गों के विकास कार्य प्रारंभ कराए जाएंगे। इसमें ब्यावर मसूदा गोयला किला अजमेर 146 करोड़ 34 लाख, अराई सरवाड़ जिला अजमेर व टोंक 111 करोड़ 24 लाख, NH-12 लक्ष्मीपुरा डोरा दाबी राणा जी का घोड़ा जिला बूंदी 103 करोड़ 25 लाख, मांगलियावास पादुकला जिला अजमेर व नागौर 134 करोड़ 38 लाख, ब्यावर पिसांगन टहला कोट अलियावास जिला अजमेर व नागौर 132 करोड़ 77 लाख, पदमपुरा राशी नगर 206 करोड़ 35 लाख, झुंझुनू राजगढ़ जिला झुंझुनू चूरू 151 करोड़ 47 लाख, निम्ब थाना खेतड़ी सिंगाना जिला सीकर 174 करोड़ 31 लाख, किशनगढ़ एराई मालपुरा 162 करोड़ 22 लाख, रामसिंह बीरवाड़ा रानीवाड़ा 242 करोड़ 41 लाख, दातीवाड़ा पिपाड़ मीरता सिटी 240 करोड़ 85 लाख, चुरुतार नगर नोहर 258 करोड़ रुपये 74 लाख, खेड़ी नदवाई कुमेर 118 करोड़ रुपये 12 लाख, राजगढ़ भादरा 26 करोड़ 42 लाख, पालोदा गड्डी आनंदपुरी 107 करोड़ रुपये 71 लाख, मथाने तिवरी देचू 250 करोड़ रुपये, दरियावद पारसोला साबला 111 करोड़ 5 लाख, गड़ी बागीडोरा कुशलगढ़ 179 करोड़ 34 लाख, नटनी का बाड़ा मालखेड़ा अलवर 100 करोड़ 18 लाख, मौजपुर बीकानेर नापा सर जसरा सर 130 करोड़, सायला बागोड़ा गुड़ा मालानी 172 करोड़ 50 लाख, गोटन सातिन पीपाड़ 61 करोड़, बूंदी छिलोस नमाना गरडा भूपतपुरा रोड 132 करोड़, गोलियाना नवलगढ़ 54 करोड़, बम्बोरा किशनगढ़ बास नौगावा 56 करोड़ 25 लाख, माल बमोरी मागरोल बारा खंड 125 करोड़, दूदू सामर भाटीपुरा 90 करोड़ 90 लाख, माननीय अध्यक्ष महोदय आगे वर्ष में 403 करोड़ रुपये की लागत से हिंडोन करौली में 3, बयाना भरतपुर में 2, लाखेरी बूंदी भरतपुर शहर गंगापुर सिटी सवारनापुर एक एक आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त 1,00,000 से अधिक कुल रेल वाहन भार वाले 8 रेल फाटकों आदर्श नगर अजमेर में 2, दोराई अजमेर नोखा बीकानेर देपल शहर चूरू रानीवाड़ा जालोर डेगाना नागौर पथाना सीकर में एक एक आरओबी के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार कराई जाएगी। फतेहपुर सीकर में सीकर चूरू रेलवे खंड पर पूर्व संपार फाटक संख्या 32 पर 1,62,00,000 रुपये की लागत से आरओबी का निर्माण कराया जाएगा। बूंदी जिले में कोटा लाखेरी सवाईमाधोपुर लालसोट दोसा मेगा हाईवे पर पापड़ी गांव के पास मेज नदी पर 36 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से हाई लेवल ब्रिज का निर्माण कराया जाएगा। कोटा जिले की पीपलदा तहसील में इंद्रगढ़ डिबरी राजोपा इटावा सहनावादा ललितपुर सड़क पर स्थित गोठड़ा कल्ला पर चंबल नदी पर हाई लेवल ब्रिज के निर्माण हेतु डीपीआर तैयार कराई जाएगी। यातायात को सुगम बनाने के लिए खातौली सवाईमाधोपुर सड़क पर जरील के पास चंबल नदी पर 131 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण कराया जाएगा। इसी के साथ बेणेश्वर धाम में डूंगरपुर बांसवाड़ा जिले को जोड़ने वाली नदी पर 132 करोड़ रुपये 35 लाख की लागत से पुल का निर्माण कराया जाने की घोषणा करता हूँ। प्रदेश में स्थानीय आवश्यकता अनुसार 50 एनिकेटों का निर्माण जीर्णोद्धार किए जाएंगे। साथ ही छिलवट राजाखेड़ा धौलपुर में पार्वती नदी पर 6 करोड़ की लागत से एनिकेट बनाया जाएगा। जैसा कि विदित है जयपुर की महत्वपूर्ण रिंग रोड योजना के पहले चरण में अजमेर रोड से आगरा रोड पर यातायात प्रारंभ हो गया। अब द्वितीय चरण में आगरा रोड से दिल्ली रोड से जोड़ने वाली 45 किलोमीटर लंबी उत्तरी रिंग रोड की डीपीआर बनाई जाएगी। भरतपुर आगरा वाया अचनेरा रोड की राजस्थान सीमा तक 15 किलोमीटर लंबाई में
सड़क को चौड़ा करने के लिए आगामी वर्ष में 16 करोड़ रुपये की लागत से कार्य कराया जाएगा।